हेलो रोहन, कैसे हो आप लोग? आई हो भाई, हमेशा की तरह आप लोग गर्दा उड़ा रहे हो। आज गर्दा उड़ाने के लिए फाइनली हम लोग लेके आया गया है नार्जो 70 प्रो और IQ Z9 को। बहुत लोगों का ये भी डिमांड होगा कि भाई ये वीवो T3 कहाँ है। तो भाई सेम फोन है, अगर आपको कंपेयर देखना है तो हम ऊपर लिंक डाल दे रहे हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये फोन और IQ Z9 ऑलमोस्ट सेम सब कुछ काम करता है, तो इसको कर देते हैं फिलहाल साइड और इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि भाई IQ Z9 थोड़ा सा बेहतर काम किया था वीवो से, तो इसीलिए इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं नार्जो 70 प्रो का। और आज ये देखने वाले कि कैमरा का में गर्दा कौन उड़ाता है। वैसे हमने इन दोनों फोन्स का डेडिकेटेड रिव्यू कर रखा है, अगर आपको पूरा डिटेल्ड रिव्यू देखना है तो ऊपर हम लिंक डाल दे रहे हैं IQ का भी और Realme का भी, और IQ वर्सेस हम लोग का जो Vivo है उसका भी लिंक डाला हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले बात करें अगर प्रोसेसर का, तो यहाँ पे गेमिंग वगैरह ये सब चीजों के लिए थोड़ा सा IQ जो है बेहतर है। 7200 Dimensity मिल जाता है और 7050 जो है Realme में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेमिंग परफॉर्मेंस जो है IQ में बेहतर मिल जाएगा। डिस्प्ले का बात करें तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा परफॉर्म किया था। हमको कभी कभी फील हुआ था कि Realme जो है थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है अपना ज्यादा रखता है, मेंटेन करता है, IQ अपना धीरे धीरे कभी कभी ब्राइटनेस कम कर लेता था, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगहों पे Realme का ब्राइटनेस जो है मैक्सिमम पीक पे रहता था, तो काफी अच्छा काम किया हम ये बोल सकते हैं। बैटरी की बात करें तो दोनों में ही 5000 mAh का बैटरी है। IQ में आपको 44 वाट का चार्जर मिलता है और Realme में हम लोग को 67 वाट का, तो यहाँ पे चार्जिंग जो है वो थोड़ा सा बेहतर जो है आपको Realme मिल जाएगा। और बैटरी कंजम्पशन का बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि एंड टू एंड तक दोनों में ही एकदम सिमिलर जैसा बैटरी परफॉर्मेंस किया है। अभी दोनों ही फोन में 80% बैटरी बचा हुआ है, तो ये बोल पाना कि भाई कौन सा फोन लास्ट ज्यादा करेगा इम्पॉसिबल है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग हेल्प करते हैं आपको एक अच्छा कैमरा फोन चूज करने में। तो आज हम लोग इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपको इन दोनों फोन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो कि हाँ इन दोनों फोन में कोई चीज छूट गया हो जो हम बता नहीं पाए, तो आप हमको इंस्टाग्राम सौरभ अनुराज और म्या वाला के नाम से है, वहां जाके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ ब्लॉग्स वगैरह देखना है हम लोग का, तो बिहाइंड द सीन जैसे हम लोग शूट करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं रियल लाइफ में, तो उन सब चीजों के लिए ब्लॉग चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो भाई सबसे बड़ा चीज अब बात करते हैं कैमरास का, क्योंकि भाई यहाँ पे कैमरा का मामले Realme जो है काफी स्ट्रॉन्ग काम करता है। यहाँ पे नार्जो में हम लोग को मिल जाता है सोनी IMX890 फ्लैगशिप लेवल का सेंसर, जो कि भाई 1x1.56 इंच का सेंसर है, काफी बड़ा सेंसर है। अगर कंपेयर करें हम लोग का IQ के 1x2 इंच के सेंसर से, हम लोग IQ में मिलता है सोनी IMX882 जो वो भी काफी अच्छा सेंसर है, दोनों 50 मेगापिक्सल का है। F1.7 के साथ आता है IQ और F1.8 के साथ आता है Realme, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिशन जो है बड़ा सेंसर और छोटे सेंसर में नहीं, यहाँ पे दोनों के सॉफ्टवेयर से है। Realme का सॉफ्टवेयर ज्यादा बेहतर काम करता है या IQ का, वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। देखिए दोनों में से कोई भी फोन एकदम आपको कलर एक्यूरेट नहीं देने वाला है, बूस्टेड कलर्स देता है अगेंस्ट द लाइट ऑफ फोटोज लोगे, तो दोनों में ही अलग अलग तरीके का रिजल्ट आता है। IQ जो है ब्राइट करने का ज्यादा कोशिश करता है, नार्जो जो है कॉन्ट्रास्टी फोटो ज्यादा रखने का कोशिश करता है। डिटेलिंग आपको कुछ वैसा ही मिलने वाला है, ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है। IQ में आपको फेस सॉफ्ट करेगा, नार्जो जो है थोड़ा सा शार्प करने का ज्यादा कोशिश करता है, कॉन्ट्रास्टी फोटो ज्यादा देता है, डिटेलिंग थोड़ा सा ज्यादा आपको नार्जो वगैरह मिल जाएगा, सॉफ्ट फोटो है तो IQ है। लेकिन भाई लो लाइट में आप जैसे ही जाओगे, खासतौर पर यहाँ पे देखो कलर नॉइज आपका विजिबल है, बट स्टिल आपका डिटेलिंग जो है कहीं ज्यादा बेहतर है नार्जो में, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि नार्जो का जो पावरफुल सेंसर है वो बेटर रिजल्ट देता है। इवन फ्लैश के साथ जो लिया हुआ फोटो था उसमें भी ज्यादा बेहतर एक्सपोजर वगैरह हैंडल कर पाता है यहाँ पे नार्जो। और Realme में फोटोज के सेटिंग में जाओगे तो कुछ कुछ एडिशनल ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन जो Realme के फोन में आपको मिल जाएगा, कटआउट मोड आप होल्ड करोगे, टच करके होल्ड करोगे तो इसको आप कहीं भी मूव, कॉपी, पेस्ट कहीं भी जाके कर सकते हो, बिल्कुल आईफोन वाला फीचर है, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, हम लोग को IQ में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो शटर लैग देखते हैं दोनों फोन का, अब दोनों ही फोन में शटर लैग थोड़ा सा मिलेगा। आप देखेंगे कि किसमें ज़्यादा जो है फोटोज क्लिक हो पाता है, ऐसे काफ़ी देर तक खींचने के बाद भी कोई फ़ोन रुक नहीं रहा है, तो ये देखना है कि फ़ोटोज़ कौन ज़्यादा ले पाता है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगा कि Realme में जो है ज़्यादा फोटोज़ क्लिक हुआ है, यहाँ पे 29 फोटोज जो है Realme में है और 25 फोटोज IQ में है। तो Realme में एक एडवांटेज है जिस जगह क्लियर विनर Realme है, वो है इसका अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। भले ही 8 मेगापिक्सल है F2.2 अपर्चर के साथ, यहाँ पे IQ में आपको कोई अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन ही नहीं है भाई, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर विनर जो है Realme बन जाता है। आप कुछ फोटोज ऐसे देख सकते हो, लेकिन क्लियरली हम बोले कि अगर यहाँ पे होता है IQ में तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्लियर विनर आपके लिए Realme है। पोर्ट्रेट शॉट्स का बात करें तो दोनों में ही हम लोग को 1x मिल जाता है ऑप्टिकली, और अगर आप डिजिटली जाना चाहो तो 2x का ऑप्शन दोनों में ही मिल जाएगा। दोनों में 2x है और दोनों में काफी सारे फिल्टर्स वगैरह भी लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। IQ में थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज होता है, उसमें कुछ कुछ फिल्टर्स वगैरह एडिशनली मिल जाएगा, स्टाइल्स वगैरह मिल जाता है जो कि एडवांटेज देता है। तो यहाँ पे फोटोज देखते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर पोर्ट्रेट शॉट्स में आप देखोगे तो MM का डिफरेंस है, थोड़ा सा IQ जो है जूम फील करता है और IQ जो है ब्राइटर फोटोज देगा, चिकना विकना करके देगा, नॉइज लेवल कम मिलेगा, लेकिन Realme जो है वो थोड़ा सा ज्यादा शार्पर इमेजेस देता है, डिटेलिंग थोड़ा सा बेहतर रखता है, डायनेमिक रेंज थोड़ा सा बेहतर आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, खासकर 2x
आपको दिखेगा, लेकिन लो लाइट में भाई IQ क्लियरली विनर बन जाता है। कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि IQ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन Realme से बेहतर काम करता हुआ दिखा, शार्प और डिटेल जो है ज़्यादा कुछ दिखा है। और अगर 2X पे जाते हो तो यहाँ पे S सिलेक्शन हमको Realme का थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा है। IQ का भी काफ़ी अच्छा है ऐसा नहीं है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि डिटेलिंग वगैरह सब कुछ जो है Realme का थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर, सेंसर की वजह से आप कह सकते हो। IQ भी बढ़िया है बट Realme के सामने थोड़ा सा फेल हो जाता है, खासकर अगर आप अगेंस्ट द लाइट शॉट्स लेते हो तो। यहाँ पे आपका डायनेमिक रेंज जो है कहीं ज़्यादा बेहतर आपको Narzo में मिल जाएगा, तो ये एक एडवांटेज ले जाता है Narzo यहाँ पे। और अगेन हम बोलेंगे लो लाइट में जाने के बाद तो क्लियरली आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख सकता है कि भाई आपको IQ जो बेहतर है, लेकिन हम ओवरऑल जो है फोटोज़ के मामले में पोर्ट्रेट में हम Narzo को ही चूज़ करने वाले हैं। तो अगर जूम का बात करें तो यहाँ पे हम लोग को IQ में मिलता है 10X का डिजिटल जूम लेवल, और Realme में हम लोग को 20X का डिजिटल जूम मिलता है, क्योंकि भाई इसका सेंसर ज़्यादा पावरफुल है तो जूम भी थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। और एक चीज़ सबसे बेस्ट लगा हमको कि स्टेबिलिटी आप अगर चाहो तो देख सकते हो कि क्लियरली स्टेबिलिटी के मामले में 20X पे जाने के बाद भी हम लोग को Realme का जो है वो ज़्यादा स्टेबल फील होता है IQ से, OIS थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल फील होता है, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज जो है हम लोग को Realme मिल जाता है IQ से कंपेयर करें तो। यहाँ पे आप 5X का फोटो देख सकते हो, यहाँ पे भाई आप क्लियरली देख सकते हो ये चीज़ कि Narzo कितना ज़्यादा शार्प है। और इससे ऊपर अगर आप 10X पे जाते हो तो 10X पे भी जाने के बाद आपको पता है कि जब 5X पे ज़्यादा शार्प फोटोज Narzo दे रहा है तो उसके ऊपर भी आप जाओगे तो Narzo जो है ज़्यादा शार्प देगा, क्योंकि भाई उसका सेंसर जो बेटर सेंसर है वो कहीं ना कहीं काम करता है, तो आपको जूमिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा बेहतर Narzo में मिलेगा। तो Realme में एक और एडवांटेज है, एडवांटेज नहीं बोलेंगे, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, जिनको लेना है वो ले सकते हैं, ऐसे वो काम चलाओ मैक्रो क्लिक कर सकता है फोटोज वगैरह, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट स्टिल एक एडवांटेज आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि Realme आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है। तो अगर फ्रंट कैमरा का बात करें तो दोनों में ही आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, सेंसर साइज सेम है, बस डिफरेंस जो है वो अपर्चर में है, अपर्चर f2.0 जो है हम लोग को IQ में मिलता है और f2.5 जो है हम लोग को Realme में मिलता है, मतलब कि आपका ये कह सकते हो कि लो लाइट कैपेबिलिटी जो है थोड़ा सा IQ का बेहतर है। तो अगर फ्रंट कैमरा का फोटोज वगैरह देखोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फेस के पास स्काई किस में ब्लोन आउट है IQ में, और अगले ही फोटो में आप देखो कि भाई फेस के साथ क्या किया है और स्काई के साथ क्या कलर्स वगैरह चेंज किया IQ। तो यहाँ पे कलर्स जो हमको थोड़ा सा Narzo का ज़्यादा बेहतर लगा, वाइडर व्यू जो है Narzo का थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं एडवांटेजेस जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है। इवन जो डायनेमिक रेंज था सन को आप देखोगे तो ज़्यादा वेल मेंटेन तरीके से Narzo बैलेंस करता है, तो ओवरऑल यहाँ तक तो बेहतर था। लो लाइट में आप बोल सकते हो कोई भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ब्राइटर जो है IQ है कहीं ना कहीं ज़्यादा, और फ्लैश के साथ भी हमको Narzo का फोटोज़ का कलर्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा कंपेयर करें अगर IQ से, तो यहाँ पर नॉर्मली हम बोलेंगे कि Narzo जो है बेहतर है। और वहीं अगर फ्रंट पोर्ट्रेट का बात करेंगे तो हमको एज सिलेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा IQ का ज़्यादा बेहतर लगा, लेकिन कलर्स अगेन बोलेंगे कि Narzo का बेहतर है। बस वही है कि आपको IQ फेस चिकना विकना करके देता है और Narzo जो है थोड़ा नेचुरल रखने का कोशिश करता है, ये नहीं बोलेंगे कि नेचुरल बट कोशिश करता है। ओवरऑल हम बोलें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ब्राइटर फोटोज़ वगैरह पसंद है या नेचुरल फोटोज़ वगैरह पसंद है। हमसे अगर फ्रंट कैमरा में बोले तो हम IQ से ज़्यादा बेहतर Narzo को बोलेंगे। तो दोनों फ़ोन में आप प्रो मोड में रॉ का कंट्रोल है, यहाँ पे 6400 ISO जो है वो रियल में मिलता है क्योंकि भाई इसका सेंसर बेटर है, और वहीं हम लोग को IQ में जो है 3200 का ISO मिलता है। रॉ फाइल का साइज़ देखते हैं किसका ज़्यादा बड़ा रॉ फाइल क्लिक होता है, और यहाँ दोनों ही में सिमिलर जैसा ही रॉ फाइल है, 25 MB का रॉ फाइल IQ में है और 24 MB का रॉ फाइल जो है रियलमी में है। यहाँ पे मोर कंट्रोल्स में आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ऑप्शंस जो है रियलमी में क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। टाइमलेस वगैरह आप शूट करते हो तो दोनों ही फोन में टाइमलेस का ऑप्शन है, लेकिन IQ में एक एडवांटेज है कि आप 4K में टाइमलेस शूट कर सकते हो। रियलमी में जो एडवांटेज है कि वो फ्रंट रियर अल्ट्रा वाइड सारे में आप शूट कर सकते हो। इसके अलावा सुपर मून मोड ये सब मिल जाता है IQ में हम लोग को, प्रो मोड, स्नैपशॉट मोड, ड्यूअल व्यू मोड, लाइव फोटो मोड, स्लो मोशन मोड। अगर आप स्लो मोशन वगैरह शूट करते हो तो दोनों में डिफॉल्ट में आपको 1080p 120fps मिलेगा, अगर आप 720p पे जाते हो तो 240fps का ऑप्शन मिल जाता है। हम लोग को लॉन्ग एक्सपोजर मोड वगैरह जो है Realme में एडिशनली मिल जाता है, टिल्ट शिफ्ट मोड मिल जाता है, तो ये सब आप यूज करके बेटर क्रिएटिविटी वाला फोटोज जो आप निकाल सकते हो। और अगर आपको नेचुरल कलर्स चाहिए, थोड़ा सा कलर्स आपको बूस्टेड फील होता है, तो आप IQ में यहाँ पे जाके नेचुरल मोड जो है वो ऑन कर सकते हो, ये एक एडवांटेज मिल जाता है IQ के साथ। तो अगर वीडियोस की बात करें तो सबसे पहले चीज आप देख लो कि Narzo में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा 4K में, किसी में 60fps सपोर्ट नहीं है, Narzo में कलर शिफ्टिंग एक्सपोजर शिफ्टिंग थोड़ा सा ज्यादा होता है अगर फेस वेस दिखता है, तो यहाँ पे कलर्स थोड़ा सा हमको Narzo का ही बेहतर लग रहा है, लेकिन भाई हम यहाँ पे IQ को चूज करेंगे क्योंकि भाई 4K में आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपको गिम्बल वगैरह यूज करना है तो आप Narzo चूज कर सकते हो, शार्पनेस डिटेलिंग जो है वो आपको Narzo का ज्यादा बेहतर मिलेगा। आपको क्रॉपिंग जो है कम करता है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है तो क्रॉप नहीं करता है, IQ थोड़ा सा क्रॉप करता है यहाँ पे। डायनेमिक रेंज सिमिलर जैसा है, लेकिन लो लाइट में आप डायनेमिक रेंज देखो क्लियरली आपको शॉप का डिटेलिंग में दिख जाएगा कि IQ काफी ज्यादा ब्राइट कर रहा है, मतलब हैंडल नहीं कर पाया है उतने अच्छे तरीके से, और Narzo जो है ज्यादा अच्छा एक्सपोजर वगैरह बैलेंस कर रहा है। ये बोल सकते हैं कि नॉइज
साइज वगैरह आपको नार्जो में ज्यादा मिलेगा, लेकिन डिटेलिंग भी कहीं ज्यादा मिलता है। तो आपके ऊपर डिपेंड तो ये करता है, लेकिन हम रहते तो डेफिनेटली यहाँ पे नार्जो को चूज करते हैं वीडियोज के मामले में, अगर गिम्बल है तभी। तो अगर आप 1080p 60fps पे जाते हो, यहाँ पे हम IQ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। पहला चीज, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलता है, और यहाँ पे नार्जो में स्टेबिलिटी मिलता है। और दूसरा, एक्सपोजर शिफ्टिंग, आप देखना कितना झटके से एक्सपोजर शिफ्टिंग होगा जैसे ही फेस दिखता है। तो दोनों में ही होता है, बट IQ में ज्यादा होता है ये चीज। कलर्स देखो कितना फीका पड़ गया है IQ का, और ब्राइट कर रहा है फेस को कितना ज्यादा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा IQ में मैनेज करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी होता तो भी थोड़ा हम लोग बोल सकते थे। 60fps के लिए नार्जो यहाँ पे ज्यादा बेहतर है। और नार्जो एक और चीज में बेहतर है, अल्ट्रा वाइड। आपको भले ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, काम चलाओ अल्ट्रा वाइड है, लेकिन डेफिनेटली एक एडवांटेज दे जाता है, वो चीज़ आपको IQ में नहीं मिला। अल्ट्रा वाइड पे आप 1080p 30fps पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, कैमरास किसी में आप स्विच नहीं कर सकते हो। और ये फ्रंट कैमरा का वीडियो देख रहे हो, दोनों फोन में 1080p 30fps का ऑप्शन है, कोई 60fps नहीं है, कोई 4K का सपोर्ट नहीं है। और अगर हम डिस्प्ले में देख के बात करें तो हम एक चीज़ क्लियरली बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है आपको रियलमी में मिलेगा, भले ही वो मैनुअली ऑन करने का ऑप्शन हो। आपको IQ में मैनुअली ऑन करने का भी ऑप्शन नहीं है। अगेंस्ट द लाइट हम देखें, ऐसा लाइट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगेंस्ट द लाइट हमको ऐसा फील हो रहा है थोड़ा सा कि रियलमी थोड़ा सा बेटर कलर्स दे रहा है, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। डिस्प्ले में देख के हम यही बोल सकते हैं। वैसे रेड भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा रियलमी में, बट स्टिल हम थोड़ा सा यहाँ पे चूज़ करेंगे, वाइडर व्यू ज़्यादा है रियलमी का IQ के कंपेयर करें तो। तो ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है एक्सट्रीम डार्क लो लाइट में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अगेन बोलेंगे कि वाइडर व्यू आपका ज़्यादा रियलमी में है, और यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ब्राइट जो है वो हम लोग का IQ फील हो रहा है, क्योंकि भाई उसका अपर्चर जो है थोड़ा सा लार्ज है। अगर कुछ और चेंजेस वगैरह हुआ तो कंप्यूटर पे आपको ज़रूर बताते हैं। एक्सट्रीम डार्क में मूव कर लेते हैं, और बेटर पार्ट ये है रियलमी के साथ कि अगर आपका लो लाइट है तो आप उसमें फ्लैश जो है इस तरीके से जला सकते हो। तो ऐसे फ्लैश जला के आप ब्राइट वीडियोस ले सकते हो। यहाँ पे IQ भी ब्राइट हो गया क्योंकि साथ में रिकॉर्ड हो रहा है, ऑफ कर देंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट हो जाएगा। तो यही मेजर डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। और आप दोनों ही फ़ोन में डुअल व्यू यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आपका फ्रंट और रियर कैमराज एक साथ ऑन रहता है, और दोनों में ही मल्टीपल ऑप्शंस है कि कैसे कैसे आपको रखना है, तो वो सारा ऑप्शंस आपको मिल जाएगा इसमें। दोनों ही फोन में पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है। IQ में एडवांटेज ये है कि आप 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हो, रियलमी में एडवांटेज ये है कि आप 720p पे ही कर सकते हो, लेकिन स्टेबिलिटी में आप यहाँ पे बेहतर रिजल्ट देगा, और फेस दिखने के बाद ही IQ जो है ले पाता है, लेकिन रियलमी जो है बिना फेस देखे भी एक्सपोजर और पोर्ट्रेट मोड ले पाता है। तो ये चीज़ अच्छा लगा। और स्लो मोशन में भी अगर आप जाओगे तो शार्पनेस डिटेलिंग में डेफिनेटली यहाँ पे 890 जो सेंसर है वो कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा 882। तो यहाँ पे वो चीज का एडवांटेज जो है क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। स्लो मोशन में भी आपको रियलमी जो है थोड़ा सा बेहतर है। तो हम यहाँ पे एक चीज फाइनली बोल सकते हैं कि अगर आपके लिए गेमिंग वगैरह ये सब मैटर करता है तो आप IQ चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप कैमरास के मामले में बात करोगे तो ऑलमोस्ट हर जगह पे रियलमी जो है थोड़ा थोड़ा मार्जिन के साथ बेहतर परफॉर्म किया है। यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं ये चीज फाइनली कि भाई आपको रियलमी जो है वाइडर व्यू ज्यादा देगा, कुछ कुछ चीजों में आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन देगा, फ्रंट कैमरा में भी बेटर परफॉर्म करता है, इवन वीडियोज में भी एक दो जगह बेटर परफॉर्म किया है। तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं क्लियरली आपके लिए नार्जो जो है ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो आज बोल सकते हैं कि रियलमी ने गर्दा उड़ाया है, आप भी गर्दा उड़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।